मॉर्निंग दोस्तों, आज का ये नया ब्लॉग जयपुर से, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये लोकेशन, ये व्यू आप देख पा रहे हैं, लास्ट ब्लॉग हमने यहीं पे एंड किया था। अभी हम मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं, मानसरोवर को देख रहे हैं। जयपुर में एक कॉलोनी है मानसरोवर, और ये मेरे पीछे इधर जो आप देख रहे हैं, ये मेट्रो मानसरोवर मेट्रो जो लास्ट स्टेशन है मेट्रो का, सिटी से जब आती है मेट्रो तो यहाँ तक, वो पीछे आप देखेंगे तो पीछे इसका ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रैक जो है मेट्रो का ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम मानसरोवर को देखेंगे, और मानसरोवर के पिछला दो तीन वीडियो हमने दिए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो मानसरोवर के बारे में। और आगे इस ब्लॉक में हम इधर चलेंगे, इस मानसरोवर में आगे के अंदर की जो रोड है जिसको मध्य मार्ग बोलते हैं, लास्ट वीडियो हमने शिप्रा पथ का किया था, उसका भी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा नीचे, आप उसे भी देख सकते हैं यदि नहीं देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये आपकी स्क्रीन पे मेट्रो का आपको दिखाई दे रहा है, ये मानसरोवर मेट्रो, और यहाँ का ये व्यू। आइए इधर और आगे चलते हैं, और ये यहाँ आगे चलते ही KGP स्कूल, काफी बड़ा कपिल ज्ञानपीठ, ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का बिल्डिंग। आइए इसी रास्ते पे आगे चलते हैं। ऋषि बद्रो अपार्टमेंट है, और ये यहाँ पर ये व्यू है, और इधर ये राइट साइड में मेट्रो है। आइए आगे चलते हैं। ये मेट्रो का स्टेशन, और ये आगे का रास्ता, ये मध्यम मार्ग। इस रोड पे अंदर चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये मध्यम मार्ग यहाँ से शुरू होता है। इधर ये मेट्रो का है, और आगे ये 200 फुट बाईपास की तरफ जो अभी गाड़ी निकली है ये जा रहा है रास्ता, और ये बाइक जा रही है। इधर ये मध्य मार्ग का रास्ता है, आइए इसी रास्ते पे चलते हैं। ये पर आगे चलते ही DVGP चरम रोग अस्पताल है राइट साइड में, और ये पूरा मध्य मार्ग का व्यू है, दो ट्रैक जाने के लिए और दो ट्रैक उधर आने के लिए। बड़ा रोड है ये मानसरोवर का, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको, मानसरोवर एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, और उसमें ये तीन रास्ते इसके अंदर हैं। हमने पीछे वीडियो में देखा शिप्रा पथ, और ये मध्य मार्ग, और उससे पहले की वीडियो में हमने देखा था बाईपास का जो रोड है। चलिए आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर KL सैनी स्टेडियम, इधर ये स्टेडियम है अंदर, ये जो आपको दिखाई दे रही है दीवार, और ये यहाँ का पूरा व्यू है मध्य मार्ग का, एक रास्ता इधर अंदर भी जाता है। चलिए आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर सवरण पथ, इधर भी, और ये मध्य मार्ग से इधर भी, इधर ये बाईपास की तरफ जाता है, और इधर ये शिप्रा पथ की तरफ जाता है, और ये मध्य मार्ग का चौक सवरण पथ का। आइए और आगे चलते हैं। और ये थोड़ा आगे चलते ही व्यू, पूरा मार्ग है, ये पूरा ट्रैफिक चलता हुआ, वरुण पथ इधर ये लेफ्ट साइड में, और इस चौक से इधर सामने की तरफ, और ये पूरा मध्य मार्ग, और ये यहाँ का व्यू, ये पूरा मार्केट यहाँ का। रक्षाबंधन आने वाला है, तो ये रक्षाबंधन की तैयारी, दुकानों के बाहर दुकानें लग के रखते हैं, यहाँ का पूरा व्यू। आइए आगे चलते हैं।
ये माँ गायत्री चौराहा और ये किरण पथ इधर भी और ये इधर भी और ये किरण पथ का चौराहा। आइए आगे चलते हैं। और ये किरण पथ से आगे चलते ही आगे का व्यू पूरा मार्केट और ये यहाँ पर रजत पथ का चौराहा मध्य मार्ग और रजत पथ जहाँ मिलते हैं इधर सिपरा पथ की तरफ और इस साइड में बाईपास की तरफ ये रजत पथ और ये मध्य मार्ग। आइए आगे चलते हैं। और ये आगे निकलते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा पार्क नगर निगम द्वारा संचालित ये हम आपको जौनपुर के दिखाऊंगा। ये नगर निगम का पार्क है और ये मध्य मार्ग का व्यू। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर मानसरोवर डाकघर पोस्ट ऑफिस 30-20-20 पिन नंबर याद है और ये यहाँ का व्यू मध्य मार्ग से और ये शानदार आप देखें व्यू यहाँ का। आइए आगे चलते हैं। और ये पोस्ट ऑफिस से आगे चलते हैं आगे का व्यू मध्य मार्ग का और ये यहाँ एक हॉस्पिटल नी एंड मम्मी हॉस्पिटल बहुत अच्छा नाम नी है। और ये मध्य मार्ग का व्यू। आइए आगे चलते हैं। और ये मध्य मार्ग और वीटी रोड का चौराहा वीटी रोड वीर तेजाजी मार्ग इधर बाईपास की तरफ और इधर ये सिपरा पथ की तरफ जा रहा है वीटी रोड और ये मध्य मार्ग हमें आगे सीधा निकलना है। आइए चलते हैं। और यहाँ ये अगले सिग्नल के ऊपर महर्षि अरविंद स्कूल काफ़ी बड़ा स्कूल ये यहाँ का व्यू है। आइए आगे चलते हैं। ये महर्षि अरविंद के पास में बनियान ट्री स्कूल इसका 2 नंबर गेट और ये आगे केंद्रीय विद्यालय नंबर 5 ये इसके साथ में ही ये मध्य मार्ग का व्यू पूरा। और इधर घूम के देखें तो इधर भी है बड़ा स्कूल कैम्ब्रिज पोर्ट स्कूल ये बड़ा स्कूल इधर भी है। इस सिग्नल पे काफ़ी सारे स्कूल और ये मध्य मार्ग का व्यू। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ मध्य मार्ग का व्यू और ये मध्य मार्ग पर मानसरोवर प्लाजा काफी बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये इसके सामने का बाहर का मध्य मार्ग से व्यू। ये सामने का व्यू। आइए आगे चलते हैं। और ये पटेल मार्ग क्रॉसिंग मध्य मार्ग और पटेल मार्ग जहाँ मिल रहे हैं ये सीधा मध्य मार्ग और इधर यदि लेफ्ट में घूमते हैं तो पटेल मार्ग और इस चौक से राइट में जो रास्ता जा रहा है पटेल मार्ग और ये सीधा मध्य मार्ग क्रॉसिंग का ये व्यू। आइए आगे चलते हैं। और ये इस चौराहे से आगे निकलते ही आगे का व्यू यहाँ पर खाने के बहुत सारे ऑप्शन नया नाम शायद आपने देखा हो नहीं देखा हो हड्डू के समोसे एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जयपुर में। आप जिस भी सिटी में हैं शायद आपके यहाँ भी हो या न हो मेरे को आइडिया नहीं है। यदि ऐसा कुछ है तो आप अपना कमेंट करके मुझे बताएं और ये इस व्यू का एंजॉय करें। आइए आगे चलते हैं। और अभी हम आ गए हैं महाराजा आदर्शन चौक। यहाँ महाराजा आदर्शन चौक पे विजय पथ मध्य मार्ग को क्रॉस करता है ये सामने मध्य मार्ग और ये इधर विजय पथ और ये इधर बाईपास को जाता हुआ विजय पथ और ये हमारा महाराजा आदर्शन चौक और ये यहाँ का व्यू। आइए आगे चलते हैं। और ये झूलेलाल चौक मध्य मार्ग का
एक खास चौक और ये इसका व्यू, और इसको खड़ी मार्केट भी बोलते हैं यहाँ पर, ये खड़ी मार्केट के नाम से भी फेमस है। तो मध्य मार्ग मानसरोवर का एक फेमस पॉपुलर जगह, पॉपुलर इलाका, ये इसका व्यू यहाँ का। आइए और आगे चलते हैं, और ये खड़ी मार्केट से आगे चलते ही मध्य मार्ग का व्यू। और ये यहाँ का ये शानदार, ये इधर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बिल्डिंग फ्लैट्स बने हुए, ये यहाँ का व्यू। और ये यहाँ पर श्री शिव सूर्यमुखी बालाजी व शनि मंदिर, इस सिग्नल के ऊपर मध्य मार्ग का ये सिग्नल, जो बाईपास रोड और आगे टोंक रोड एयरपोर्ट रोड को मिलाता हुआ पूरा ये व्यू यहाँ का। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, कोई भी कमेंट है तो कमेंट करें, लाइक ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।